रुक करते हैं हिमाचल की ओर, जहां पर हिमाचल में 318 पेयजल योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। अब प्रति व्यक्ति को 70 लीटर पानी मिलेगा। प्रदेश सरकार ने हिमाचल की 318 पेयजल योजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है और इन पर 2,373.94 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन योजनाओं से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी प्रतिदिन मुहैया कराया जाएगा और इन पेयजल योजनाओं पर डीपीआर के तहत काम कर रहे केंद्र सरकार के तय नियमों और शर्तों के अनुसार अमलीजामा पहना जाएगा। और प्रदेश के प्रत्येक जिलों को 20 से 60 पेयजल स्कीमें दी गई हैं और इस संबंध में सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव डीडी शर्मा ने पत्र भी जारी कर दिया। राज्य में 2 साल के भीतर जल जीवन मिशन के तहत इन 318 योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया और ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाने वाली पेयजल योजना के कुल खर्च की 5% राशि लाभ उठाने वालों से वसूली जाएगी। इन पेयजल योजनाओं को वर्ष 2022 तक पूरा कर